हेलो एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस में ट्रैफिक शेपिंग। सो क्वालिटी ऑफ सर्विस हम पढ़ रहे हैं और क्वालिटी ऑफ सर्विस में हमने कुछ टेक्निक्स देखी हैं, जैसे कि शेड्यूलिंग, जिसके अंदर हमने फीफो क्यूइंग, प्रायोरिटी क्यूइंग और वेटेड फेयर क्यूइंग देखी थी। अब हम देखेंगे कि किसी ट्रैफिक को कैसे शेप दिया जाता है। सो ट्रैफिक शेपिंग का मतलब होता है दैट इट इज़ अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल द अमाउंट एंड द रेट ऑफ ट्रैफिक सेंड टू द नेटवर्क। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम कितना ट्रैफिक भेजना है और कितने रेट, कितनी स्पीड से ट्रैफिक भेजना है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो कहलाता है ट्रैफिक शेपिंग। तो इसके दो मैकेनिज्म हैं, एक तो है लीकी बकेट और एक होता है टोकन बकेट। तो आज की वीडियो में, इस वीडियो में हम लीकी बकेट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ लीकी बकेट एल्गोरिदम शेप्स बर्स्टी ट्रैफिक इंटू फिक्स्ड रेट ट्रैफिक बाय एवरेजिंग द डाटा रेट। तो इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो बस्टी ट्रैफिक होता है उसको ये फिक्स रेट ट्रैफिक के अंदर कन्वर्ट करता है लीकी बकेट। अब लीकी बकेट नाम क्यों दिया गया और कैसे ये काम करता है उसका अंदाजा आप इसके नाम से ही लगा सकते हो। बकेट का मतलब होता है बाल्टी एक तरह से। तो सपोज एक टैप है हमारे पास, एक टैप है और इस टैप में से कंटिन्यूस पानी आ रहा है, ठीक है। अब ये जो पानी है ये बस्टी फ्लो है, क्योंकि कंटिन्यूस आ रहा है इसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। सो बस्ट फ्लो ऑफ वाटर इज कमिंग फ्रॉम द टैप। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमारे पास एक बकेट है यहाँ पे, एक बकेट है हमारे पास यहाँ पे, एंड दैट बकेट हैज़ ए होल, इसलिए इसका नाम है लीकी बकेट। जो बकेट वो लीक हो रही है, अगर तो अगर एक होल है हमारे पास इस बकेट में, तो धीरे धीरे पानी आएगा, बकेट का लेवल बढ़ेगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, इतना आएगा, बट जैसे ही बकेट की कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा वो उस इस पानी को बकेट से बाहर फेंकना शुरू कर देगा। ये वाली जो ड्रॉप्स हैं दीज आर एक्चुअली डिस्कार्डेड ड्रॉप्स, डिस्कार्डेड ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है सबको। अब एक होल के होने से क्या होता है कि चाहे यहाँ पे पानी कितनी भी स्पीड से आए, यहाँ पे पानी जो इससे बाहर निकलेगा, आउटफ्लो होगा, वो कंट्रोल्ड होगा। तो यहाँ पे अब एक एक बूंद करके पानी नीचे गिरना शुरू होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो गया, फिक्स्ड फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस तरह से एक बकेट में कंटिन्यूस या बस फ्लो ऑफ वाटर को फिक्स्ड फ्लो के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट है लीकी बकेट का। अब सेम कंसेप्ट एप्लीकेबल है जब हम बात करते हैं नेटवर्क्स की या फिर कंजेशन की टाइम पे हम बात करते हैं, कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी ये वाला जो कंसेप्ट है ये एप्लीकेबल होता है। कैसे होता है वो एप्लीकेबल होता है विद द हेल्प ऑफ क्यू। तो अब यहाँ पे इनकी जगह आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे पैकेट्स हैं, डाटा फ्रेम, एक ही क्यू है एक तरह से, जो एक बार में एक पैकेट को ही बाहर भेजेगी, ठीक है। सो ये होता कैसे, पूरा देखो लीकी बकेट की इम्प्लीमेंटेशन। तो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। सो यहां पे लीकी बकेट के हम इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं। अब तो सबसे पहला काम तो होगा पैकेट्स का अराइवल, जो कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो पैकेट का अराइवल हो रहा है। तो सबसे पहला काम तो है अराइवल, उसके बाद चेक करेंगे कि ये क्यू फुल है या नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे बाल्टी का चेक कर रहा था बकेट का कि फुल है या नहीं, अगर फुल है तो हम वाटर ड्रॉप्स को डिस्कार्ड कर रहे थे। तो यहाँ पे अब हम चेक करेंगे कि ये जो क्यू है ये फुल है या नहीं। अगर फुल है तो सिंपल आपको डिस्कार्ड करना है, अगर फुल नहीं है तो एक क्यू के अंदर आपको
पैकेट्स को ऐड करने हैं, और वो क्यू एक तरह से क्या है, एक लीकी बकेट है। अब यहाँ पे लीकी बकेट का एल्गोरिथम काम करता है, यहाँ पे लीकी बकेट का एक एल्गोरिथम है काम करता है। तो बेसिकली लीकी बकेट एल्गोरिथम का काम क्या है, टू फेच द पैकेट्स फ्रॉम द क्यू एट ए कॉन्स्टेंट रेट। तो ये करता क्या है, इट फेचेस पैकेट्स फ्रॉम क्यू एट कॉन्स्टेंट रेट। तो एक कॉन्स्टेंट रेट से पैकेट्स को फेच करता है। देन यहाँ पे प्रोसेसर है जो इन पैकेट्स को प्रोसेस करता है जो यहाँ से फेच हुए हैं, एंड फाइनली हम यहाँ से पैकेट्स को डिपार्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे डिपार्चर हो गया, ठीक है। सो इस तरह से एक क्यू की मदद से हम लीकी बकेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। तो अब देखो, अगर ट्रैफिक आ रहा है कुछ हमारे पास, तो उसमें लीकी बकेट लगाने से उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो देखते हैं। एक तो आप यहाँ पे जब आप एग्ज़ाम्स के अंदर अगर ड्रॉ करोगे, तो आप यहाँ पे इसकी जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, होस्ट कंप्यूटर, वाटर की जगह पैकेट्स, एंड यहाँ पे आप सिंपल ऐसे लगा सकते हो कि एक बकेट है जो पैकेट्स को होल्ड कर रही है और उसके बाद रेगुलेटेड फ्लो ऑफ पैकेट्स। अब देखो कैसे होता है, सपोज एक डाटा आ रहा है, कुछ डाटा इस तरह से आ रहा है, ये डाटा आया 12 Mbps की स्पीड से, देन और फॉर 0 to 2 seconds डाटा 12 Mbps की स्पीड से आया, देन उसके बाद यहाँ पे फ्रॉम 7 to 10, 7 से लेके 10 तक डाटा 2 Mbps की स्पीड से आया। अब क्योंकि यहाँ पे सडन चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं ये किस तरह का डाटा है, ये बस्टी डाटा है। बट जब ये डाटा पास करेगा लीकी बकेट के एल्गोरिदम से, व्हेन दिस डाटा पासिस थ्रू लीकी बकेट एल्गोरिदम, तो ये कैसे दिखेगा देखते हैं, इसको कैसे दिखेगा ये। लीकी बकेट से पास होके एक तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। सो इट विल लुक लाइक दिस, फॉर 10 seconds, फॉर 0 to 10 seconds इट विल गो एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ लेट से 3 Mbps। क्लियर। सो अगर हमने लीकी बकेट एल्गोरिथम लगा रखा है जो इतने ही डाटा रेट को अलाउ करेगा, तो ये इतने टाइम के लिए 3 Mbps की स्पीड से फ्लो करेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि टोटल डाटा जो ट्रांसमिट हुआ है वो इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल डाटा कितना ट्रांसमिट हुआ, 12 Mbps फॉर 2 seconds, तो टोटल हुआ 24 Mbits ऑफ डाटा, और यहाँ पे 2 Mbps फॉर 3 seconds, तो टोटल कितना हुआ, 6 Mbits ऑफ डेटा। तो टोटल डाटा कितना आ गया इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे, तो 30 Mbits ऑफ डेटा। और सपोज लीकी बकेट है जो कॉन्स्टेंट फ्लो 3 Mbps पर सेकेंड अलाउ करता है, तो अब ये कितने सेकेंड के लिए चलेगा, फॉर 30 Mbps ऑफ डेटा 10 सेकेंड, क्योंकि अगर आप देख सकते हो 3 × 10 30 Mbps ऑफ डेटा। सो इस तरह से लीकी बकेट काम करता है। सो बट लीकी बकेट में एक प्रॉब्लम होती है कि इन दिस द डाटा फ्लो when the data goes out of the system is constant, so इसमें data constant होता है। अब इस problem को दूर करते हैं token bucket के अंदर। so in the next video we will see the concept of token bucket. thank you for watching the video, please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. thank you.